हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्योति प्राची ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम रीवा के पास चुनाटक में आए, यानी हवाई पट्टी, यानी तो आज हम लोग आए हैं एयरपोर्ट जो रीवा के पास चुनाटक के पास है। काफ़ी दिन से था, बहुत साल से था, यानी जब तक मैं जानती हूँ जहाँ से, उसके बहुत पहले से भी था और अच्छा भी था। तो पहले मुख्यमंत्री लोग यहाँ आते जाते थे, अब आज जो है ना, तो आज इसका उद्घाटन है। 15 फरवरी है और यहाँ उद्घाटन हो रहा। मंत्री जी आए हैं शिवराज सिंह चौहान और आज उसका उद्घाटन करें ताकि यहाँ आम लोग भी, आम पब्लिक, आम जनता भी जा सके। तो चलिए मैं वहाँ का दिखाती हूँ वीडियो, आपको कैसा लगेगा। कंटिन्यू वीडियो में आप बने रहिए, तो चलते हैं वहाँ पास आगे। तो यहाँ पास आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी, कितनी सारी भीड़ लगी है और कितने लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं अभी पता नहीं मुझे। यहाँ पास देख लीजिए कि आप लोग, शानदार दिख रहा है नज़ारा यहाँ हवाई पट्टी का। और यहाँ पास देख लीजिए सब चीज़, गाड़ी वगैरह इतनी भीड़ लगी। मैं चली अंदर, कंटिन्यू बनाते थी वीडियो, देखते आप लोग। तो ये देख लीजिए हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर की एंट्री है कि नहीं है, कि ऐसे है। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ तक पहुँच के, मैं आप लोग को उस पेंटिंग वीडियो दिखाऊंगी। अब बहुत अच्छा अपने मतलब रीवा में विकास हुआ है और अच्छी बात है कि अब नेता लोग भी जाते थे, अब है ना, तो सब लोग जा सकते हैं, है? एरोप्लेन में उड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोग गेट के अंदर से फर्स्ट एंट्री कर लिए हैं और यहाँ पास देख लीजिए आप लोग, सब लोग। प्राची भी मेरी है, कैसा लग रहा है? प्राची तो पहली बार आई है, मैं तो काफ़ी बार यहाँ आ चुकी हूँ। एक नंबर लग रहा है अभी मेरे को, एरोप्लेन देखने पर देख ही नहीं पा रही। तो चलिए यहाँ पास देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। और इधर साइड भी देख लीजिए दूर से, यानी पीछे की ओर, कितना अच्छा लग रहा है। सुंदर लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? ये देख लीजिए शानदार। वहाँ शायद है कि मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी, तो मैं अभी सभी अभी बता दे रही हूँ कि देख लीजिए वहाँ जो भी होगा इसमें आता जाएगा, वीडियो में देखते रहिएगा। तो मैं वहाँ पास में जाकर दिखा रही हूँ कि क्या हो रहा है। पब्लिक का तो बहुत ही ज़्यादा, दुनिया की पब्लिक आ गई है। तो मैं काफ़ी पास में पहुंच चुकी हूँ, कम से कम 1 किलोमीटर तो लगता है। क्या प्राची बोलोगी, मज़ा आ रहा है? आ रहा है, वहाँ पास पहुँचे हैं और मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पास देख लीजिए काफ़ी डॉक्टरों की कैंप लगा हुआ है, यानी हर चीज़ की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पास, ताकि किसी के कोई चीज़ की अगर दिक्कत हो तो तुरंत हाजिर। तो यहाँ पास देख लीजिए जितने तरफ से हैं, हर जगह से स्वागत के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पास देख लीजिए, भीड़ तो काफी है। पानी चाहिए तो बताए क्या? तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी एरोप्लेन खड़ी हुई है, कितना अच्छा लग रहा है, देख लीजिए, है ना। तो बाकी और अंदर भी है और बाहर भी है, कुछ पन्नी में उसको ढक दिए। हाँ, ये दिख रही है आप लोग को। तो हमारे चुनाटक बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो मैं पूरे प्रदेश का था, लेकिन अपने विंध्य क्षेत्र, अपनी माटी, उसके प्रति मेरा स्नेह स्वाभाविक है। इसलिए मैं चाहता था कि यदि अमृत बरस रहा है तो उसकी कुछ बूंदें हमारे विंध्य क्षेत्र में पहुंच जाए। तो वो लोग मुझसे कहते थे कि वास्तव में आपके इलाके में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन एयरपोर्ट है क्या आपके यहाँ? उस समय मैं निरुत्तर हो जाता था, हमारे हवाई अड्डे नहीं। इसलिए जनवरी 2015 को मुझे याद है,
जनवरी 2015 का वो दिन मुझे याद है जब मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि एक पत्र यदि आपके यहाँ से चला जाए भारत सरकार को कि वो सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी करा ले और कुछ ना करे। हमारे रीवा में ये शायद इनके स्वागत के लिए ऐसी सब व्यवस्था की गई है जो तैयारी की है कि शिवराज सिंह चौहान आएंगे जब भी नेता आएंगे तो उनके स्वागत के लिए ऐसी तैयारी की है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उड़ान योजना आ गई, उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, और उसके बाद सोने में सुहागा ये हो गया कि हमारे आदरणीय सिंधिया जी एक अभी आप लोग ने सुना राजन शुक्ला का भाषण जो दे रहे थे, राजन शुक्ला भी आए हुए हैं और कितना देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताएं। साथ मेरी आवाज़ आपको पहुंचती होगी कि नहीं पहुंचती होगी। रक्षा करेंगे और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी न सिर्फ बेटियों की बहन की रक्षा करते आए हैं वरन अनेक सौभाग्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम सबको देखने आए हैं समय समय पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्राप्त करें और सभी बहने महिला मंडल के बड़ी सारा सारा में हमारे घर में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है और प्रेम की पाती और रक्षा सूत्र अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया है महिलाओं ने। उद्बोधन के क्रम में हमारा जनरल आग्रह है माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी से आज के इस मौके पर अपना संक्षिप्त उद्बोधन सभी को कराया गए माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी। जन जन के नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, रीवा को इन्होंने तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पास शायद न्यूज व्यूज चल रही है, न्यूज के बारे में कुछ बताया जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग कि चल रहा है नेता लोग का भाषण वगैरह, यहाँ पास शायद है कि न्यूज वगैरह चल रही है, थोड़ी सी जूम करके दिखा दो। हमारे ख्याल से न्यूज वगैरह चल रहे हैं और अच्छी बात है न्यूज वगैरह चलने के लिए। अगर ध्यान रखिएगा कि आप लोग भी थोड़ा यहाँ की लोकेशन हर चीज़ देखिए कि मेरा चुराटा यानी रीवा का जो हवाई अड्डा कैसा लग रहा है जरूर बताइए आप कमेंट करके। और अभी आगे मैं दिखाती हूँ कि आगे शायद कुछ होने वाला है, मैं जरूर दिखाती हूँ। चलिए कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ चुराटा यानी कि यहाँ चुराटा हवाई अड्डे पर मैं पहली बार आई हूँ। मेरी मम्मी लोग तो बचपन में बहुत ज़्यादा ही आती थी यहाँ पे, यहाँ पर लोग एरोप्लेन में भी हम लोग बहुत ज़्यादा घूमी भी हैं। घूमे नहीं हैं ये तो बात नहीं, मैंने देखी हूँ पास से जाके, मैंने देखी हूँ और मैंने उसका सीट वगैरह भी देखा, मैंने घूमी नहीं हूँ मैं, ये तो गलत बात है प्राची बोल रही हैं। तो
मैं तो भला देखी भी नहीं हूँ पास से, मैं तो ज्यादातर वीडियो, क्योंकि चुनाटा जो है तो ये मेरा मम्मी और है, इसीलिए मैं यहाँ अक्सर आती जाती हूँ और मेरा बचपन बीता है यहाँ और मैं स्कूल लाइफ में बहुत सारा मैं मैदान में यहाँ घूमी हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ बहुत बार आई। मेरी बेटी तो पहली बार आई थी, इसीलिए मैं पहली बार आई हूँ दोस्तों यहाँ पे। मुझे यहाँ पे भी देखने में अच्छा लगा, लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ एरोप्लेन देखने को मिलेगा, पर जो कि अभी मुझे मिल नहीं पाया है। तो कंटिन्यू वीडियो में रहिए आप लोग। हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं और देख लीजिए गेट के पास काफ़ी सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, कितना अच्छा पुलिस वुलिस तैनात खड़ी हुई है, और अच्छी बात भी है। और ये कितना शानदार दिखता है ये देखिए। भाई हम लोग वहाँ से आ गए वापस, अभी काफ़ी देर तक प्रोग्राम चलेगा, तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और घर की। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने सभी लोग ने देखा कि मेरे रीवा चौराहा में क्या हुआ और कितना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो आप लोग को कैसा लगा देखकर बताइएगा कि मेरे रीवा में कितना अच्छा विकास हुआ और अच्छा भी लग रहा है। तो अब हम वीडियो के यहीं एंड करते हैं। तो आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, ओके गाइज, बाय।